अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग डेली प्राइज आइडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर एलसीडीज की आपके पास अपडेट लेके आ गए। गेमिंग एलसीडीज एलईडीज मौजूद हैं और इसके अंदर कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में आपको कम ही देखने को मिलेंगे। जिसके पास भी होगा उसका अपना ही रेट होगा, लेकिन वही मॉडल आज मोहसन भाई आपके लिए लेके आए हैं। ये आपकी डिमांड पर हमने वीडियो बनाई है। आपको पता कि हफ्ते में या दो हफ्ते में एक बार हम इस चीज़ का टच देते हैं कि एलसीडीज और एलईडीज जोन से 75 हर्ट्ज़ की, 60 हर्ट्ज़ की, 144 या 120 इनकी प्राइजेज़ वगैरह क्या चल रही हैं मार्केट में। तो इस वक्त मोहसन भाई हमें बताते हैं कि पास जो एल सी डीज़ मौजूद हैं इनकी क्या प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशन है और आपको कितने तक की मिल सकती हैं। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमें बताते खुद, और एल सी डीज़ की तरफ अगर ध्यान दिया है तो यहाँ भी आप हमारी तरफ से इनको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ऐसे सपोर्ट करते रहें, आपको चीज़ अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं मोहसन भाई की तरफ, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम मोहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम मैम भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मोहसन भाई, अपना सर मैं शुक्र अल्लाह का मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपका भी शुक्रिया और आपके कस्टमर या व्यूवर्स का भी शुक्रिया जो हमें इतनी सपोर्ट या इतना अच्छा फीडबैक देते हैं। ठीक है मोहसन भाई, चलें आज ना हमें आउट ऑफ टॉपिक बात नहीं करनी, सारा कुछ उनको पता है क्योंकि हमें रेगुलर बेस पे देखते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता है कि किस तरह आपने चीज़ बाय करनी है और किस तरह आपने ये चीज़ किस तरह एडवांस देना, बाकी सब कुछ आपको पता है। फिर भी एक बार आपको थोड़ा बहुत बता देंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइजेस की तरफ चलते हैं। मेन होती है प्राइजेस, आपने प्राइजेस के बारे में थोड़ा बहुत बता देना, ये आइडिया दे देना और उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना। चलिए स्टार्ट करें जी। फिर सबसे पहले तो अहमद भाई स्टार्ट करेंगे छोटे साइज से, ठीक है? क्योंकि या तो छोटे से करना चाहिए या बड़े से, लेकिन लिहाजा छोटे से करें। ये है अहमद भाई 20 इंच साइज है। हाँ जी, थोड़ा सा इसका साइज 22 इंच है। हाँ। इसमें है टच स्क्रीन, ये स्क्रीन भी टच है और इसमें डबल HDMI डिस्प्ले पोर्ट के साथ ऑप्शन है। बेहतरीन हो गया, क्योंकि कस्टमर की डिमांड आ रही थी कि भाई टच स्क्रीन के बारे में भी थोड़ा सा गाइड करें या टच स्क्रीन भी इन्वॉल्व करें। अगर होती हैं, होती जरूर है, ये पड़ी है टच स्क्रीन। इसमें 22 इंच भी इंशाल्लाह परसों आ जाना है सामान, ठीक हो गया। वो वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ताकि आपको कस्टमर को पता चल जाए 22 इंच टच स्क्रीन में भी इंशाल्लाह क्वांटिटी में माल अवेलेबल हो जाना है इंशाल्लाह। ये तो बेहतर हो गया जी, 20 इंच में उसकी स्क्रीन भी काफी चमक रही है, बहुत जबरदस्त। ये एमबी टच पैनल है जिस तरह मोबाइल, और टच इतना सॉफ्ट है जिस तरह मोबाइल यूज कर रहे हैं। IPS में है ये IPS में। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, LED के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है PC के लिए, PC में। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं, सिंपल आपने प्रिंटर केबल लेनी और लगाना है, आपका टच ऐसे चलेगा जैसे आप फोन यूज करें। बेहतरीन, बहुत आउट क्लास टच है इसका। कितने 60 हर्ट्ज़ है ये? हर्ट 60 है। ये आप ऑफिस वगैरह के लिए कह सकते हैं, या गेमर वगैरह तो नहीं इसको यूज करेंगे, लेकिन ऑफिस वगैरह या हाँ जी हाँ जी शौकीन हजरात के लिए ये चीज एक। तो क्या प्राइस ये अहमद भाई आपको मिल जाएगी? 9000 रुपये सिर्फ। 9000 टच और गारंटी होगी टच की, जिस तरह मर्जी प्रॉपरली यूज करें। बेहतरीन होगा, बहुत अच्छी प्राइस है जी। ये लास्ट पीस अवेलेबल है इनके पास, देख सकते हैं आप। बाकी क्वांटिटी जब आएगी तब की बात है, लेकिन ये लास्ट पीस है, जिसने भी लेना वो फौरन रब्ता करके ले सकता है। सिर्फ एक पीस है, बाद में आप कहते हैं भाई ये सेल आउट हो गया, हमें मिल नहीं ला, तो फौरन रब्ता करें, फौरन बाय करें। नेक्स्ट बताएं जी। एक बात आपकी वीडियो में चलते चलते अहमद भाई करना चाहता हूँ कि माल की ना अभी जो आपको भी पता है कि टर्न बहुत शार्ट है। हाँ जी, वो जो कस्टम वगैरह नहीं क्लियर हो रहे या कुछ उधर के मामला है, गवर्नमेंट के मामला है, उनकी वजह से हमारे काम पे बहुत असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि माल नहीं मिल रहा। माल मिलेगा तो हम कस्टमर को डिमांड, उसकी कस्टमर की डिमांड के मुताबिक चलेंगे। हाँ, एक दो चार पीस मिलते हैं, वो एक वीडियो में दो पीस बना के क्या फायदा? बिल्कुल, या को 5-10 पीस हो जिसमें वीडियो भी कस्टमर भी अट्रैक्ट हो वीडियो देख के। लिहाजा आप वीडियो के अलावा भी रब्ता रखा करें, ताकि आपकी डिमांड के मुताबिक कोई एक आध पीस निकलते रहते हैं तो वो आपको मिल सके। चलें ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। कौन सा उसके बाद अहमद भाई आ जाते हैं फिर बॉर्डरलेस की साइज पे। बॉर्डरलेस का ये वाला जो मॉडल है ना, ये इंतहाई मार्केट में कम अवेलेबल है और इसकी डिमांड भी सबसे ज़्यादा इस मॉडल की। HP का है और आउट क्लास मॉडल है ये, 24 इंच साइज में। अहमद भाई पोर्ट्स कितनी है, कितने हर्ट्ज़ का ये? हर्ट 60 है, ये गेमिंग के लिए बहुत आउट क्लास होती है। गेमर वगैरह जो है ना, वो ज़्यादा हमसे बेहतर समझते हैं इस चीज़ को के हर्ट्ज में सबसे कम आती है उसकी MS, ठीक है, जो स्क्रीन पर सेकंड रेशो होती है ना वो कम आती है। तो इसमें इसकी जो MS है ना वो बहुत कम है। इसमें पोर्ट HDMI भी है, डिस्प्ले भी है और VGA भी है, ठीक है। आप ग्राफिक वाले PC के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, घर में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप ना नॉर्मली PC पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हर तरह आप यूजेबल आपके लिए ये मॉडल। और मेन बात ये कि HP का ब्रांड है। हाँ जी, ब्रांड HP है और इसका स्टैंड ओरिजिनल पड़े हैं, वो पीछे थे अपना काफ़ी उसके ऊपर स्टैंड पड़े थे, इसलिए नहीं लगाया, स्टैंड इसका ओरिजिनल अवेलेबल है, ठीक है जी। चलें फिर इसकी क्या डिमांड दे रहे हैं सर जी? अहमद भाई ये 20+ है, 20+ है। हाँ जी, 20+ है। ओके जी, उसके बाद आ जाता है जी, ये Acer से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ये Acer का ब्रांड है और बॉर्डरलेस है। हाँ जी मान साहब। हाँ जी, अच्छा जी। उसके बाद अहमद भाई आते हैं, ये Acer का ब्रांड है बॉर्डरलेस में, ये भी बॉर्डरलेस में, और इसका पैनल है क्रिस्टल, बहुत अच्छी लुक है। बॉडी भी क्रिस्टल है, पैनल भी क्रिस्टल है और स्टैंड भी ओरिजिनल है। अगर कस्टमर भाई को नजर आए
तो ये प्रॉपरली टोटल ओरिजिनल मॉडल है। इसके अंदर दो पोर्ट्स लगे मेरे ख्याल से ना, VGA और DVI। DVI टू HDMI ब्रांडेड केबल हमारे पास अवेलेबल होती है, अगर कोई भाई HDMI यूज करना चाहता है तो इसमें HDMI चलेगी मेरी गारंटी। ठीक है, बेहतरीन देख सकते हैं जी आप, ये एसर का ब्रांड है, क्रिस्टल में है सारा, देख सकते हैं। ये बहुत ही चीज़ें कम आती हैं मार्केट में, और मोहसिन भाई खसूसी आपके लिए लेके आते हैं, क्योंकि डिमांड होती है ना, आप ऑन डिमांड ये चीज़ मंगाई जाती है, ये पूरी मार्केट में आपको इंशाल्लाह कहीं से नहीं मिलेंगे सिवाय मोहसिन भाई के। ठीक है जी, मार्केट से महंगी परचेज करके लेते हैं ताकि कस्टमर जो हमारे वीडियो देखने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ अवेलेबल, लुक भी बड़ी अच्छी है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मोहसिन भाई जो कस्टमर हमसे आपसे लेगा ये, बल्कि हमसे ही लेगा समझ लें जी, तो सर तो ये क्या प्राइस होगी इसकी? ये अहमद भाई अंडर 20 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, अंडर 20। एक होता है 20 प्लस, एक होता है अंडर 20 के, ये 20 से नीचे है। देख क्रिस्टल होने के बावजूद आपको 20 से पीछे देंगे रेट, कुछ 100-500 हज़ार का फर्क हो सकता है ऊपर नीचे। ठीक है जी, चलें ये भी पीस कवर अप हो गया, बेहतरीन चीजें लेके आए प्योरली गेमिंग के लिए। और उसके बाद अहमद भाई आ जाते हैं ओरिजिनल डेल में क्रिस्टल मॉडल जी, ये भी क्रिस्टल में आ गया। कस्टमर की बहुत डिमांड होती है भाई क्रिस्टल कैसे होती है, कुछ कस्टमर को बताना चाहता हूँ शायद उनको ना पता हो, जो मार्केट में क्रिस्टल मिलेगी ना वो पेपर उतारते हैं भाई स्क्रीन के ऊपर से, जेनवनली उसकी स्क्रीन जो होती है वो मैट होती है, उसके ऊपर स्क्रैचेस जब आ जाते हैं ना यूज़ में आती हैं हल्का फुल्का सा होता है, तो वो पेपर उतारते हैं तो वो बन जाती है क्रिस्टल। कस्टमर को मार्केट से रेट कम में दे के वो कहते हैं जी हमने क्रिस्टल दे दी, उसको एक तो आई साइड पे आपके असर होगा, दूसरा ये कि उसकी डिस्प्ले जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये जेनवन मॉडल सर्च करें आपको क्रिस्टल जेनवन मॉडल आपको गूगल पे आ जाएगा। अच्छा, क्रिस्टल की एक और निशानी भी, उसका स्क्रैच नहीं आता उसके ऊपर को भी, ऐसे ही भाई? जी 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 हाँ बिल्कुल, एक्चुअल जो जेनवन क्रिस्टल होता है उस पर स्क्रैचेज अगर हों तो वो बहुत महसूस होता है, अगर ना हो तो फिर वो महसूस ही नहीं होते, लेकिन जो क्रिस्टल बनाई जाती है उसमें स्क्रैचेस बहुत आपको महसूस होंगे, अगर ना भी होते इन फ्यूचर ज्यादा पड़ जाएंगे। ठीक है जी, तो डेल में भी वही प्राइस है? नहीं, ये अहमद भाई 20 प्लस है। ये 20 प्लस क्या फर्क है? सिर्फ ब्रांड का फर्क आ गया, ब्रांड की वजह से। ठीक है, ब्रांड की वजह से। हाँ जी, इसमें पोर्ट HDMI भी है, VGA भी है, DVI पोर्ट भी है। ठीक है जी, इसके बाद? इसके बाद अहमद भाई आ जाते हैं, कुछ भाई बात कर रहे थे क्या आप करते हैं यूज का काम, लेकिन हमें मॉडल चाहिए कोई मतलब 21-22 के अप डाउन वाला, यानी कि 2018-19-20-22। तो ये एक मॉडल लेके आए हैं भाइयों के लिए, ये है 2021 मॉडल। ठीक हो गया, 2021 में मतलब कि अभी 23 स्टार्ट हुआ है, ये बहुत कम यूज हुआ लिटिल बिट यूज है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और ये टोटल 360 ओरिजिनल सैंड के साथ है अहमद भाई, और 24 इंच साइज है इसका भी। इसके अंदर USB पोर्ट्स भी लगी, USB पोर्ट्स भी, और इसमें आपका हेडफोन भी डायरेक्ट कनेक्ट होगा। वाह जी वाह, स्पीकर भी बिल्ट इन है? हाँ जी, स्पीकर भी बिल्ट इन है, लेकिन इसका हेडफोन भी आपके जो अपना गेमिंग करते हैं ना वो उनको PC में लगाने में या उनका साउंड कार्ड नहीं होता, तो आप इसमें डायरेक्ट HDMI लगाएंगे, उसके साथ हेडफोन लगा लें, आपको साउंड इधर से भी आएगा। बेहतरीन हो गया जनाब। और इसकी क्या डिमांड है, कितने इंच है ये? 24 है? 24 इंच है ये अहमद भाई, 23 प्लस। यानी कि नज़दीक नज़दीक देखें, आपको प्राइस का आइडिया दे रहे हैं आप, ये आइडिया है भाई। हाँ, उसके नज़दीक होगी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। उसके बाद अहमद भाई एक और आ जाता है मॉडल मेरे पास, HP में पड़ा है। ठीक है जी, ये ले, ये भी HP में है। कस्टमर ज़्यादा डिमांड करता है HP डेल की, डेल में कम एक ही पीस निकला था वो भी ले लिया, HP में मतलब कम अच्छे मॉडल थे तो इसलिए ये सिलेक्ट करके ले लिया। थोड़ी स्पेक्स इसकी ज़रा बयान करें, ये 1920x1080 है अहमद भाई। लुक वाइज कैसी रहेगी? लुक वाइज और इसका डिस्प्ले बेसिक तो वीडियो में नहीं बता सकते, बातों में नहीं डिस्प्ले बता सकते, लेकिन जो मॉडल लेना चाहते हैं ना आप इसके यूट्यूब पे RGB चेक किया करें, आपको आइडिया होगा ये किस क्वालिटी का मॉडल है। ठीक हो गया, तो इंतहाई आउट क्लास जो है ना इसका डिस्प्ले, और इसमें अहमद भाई VGA की ऑप्शन ही नहीं होती, VGA की ऑप्शन ही नहीं है, ये खास बात है जी, बहुत आउट क्लास। और इसमें 3.0 USB स्पीड है ब्लू वाली, ये देख सकते हैं आप भी, और इसमें मिनी HDMI भी है, डिस्प्ले पोर्ट भी है, और डबल डिस्प्ले पोर्ट है, DVI भी है, DVI पोर्ट भी है, और मल्टीमीडिया भी है। ठीक हो गया, ये मल्टीमीडिया का क्या काम होता है भला अहमद भाई? ये आपके समटाइम होता है कि आपके PC में जो गेमिंग PC होते हैं ना उनमें साउंड की ऑप्शन नहीं होती। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो आपका साउंड इधर से LED आपको देगी। अच्छा जी हाँ जी, तो बेहतरीन हो गया फिर तो। तो इसकी अभी प्राइस क्या दे रहे हैं इसने यार? 23 फाइनल। अच्छा प्लस, चलो ठीक हो गया जी, ओके हो गया, ये भी आपने कवर अप कर दिया, कुछ पीस रह गए वो भी जल्दी कवर अप करते हैं मोहसिन भाई। उसके बाद आ जाते हैं मॉडल, और भी पड़े हैं लेकिन वो टाइम शॉर्ट की वजह से थोड़ा सा ना कम भी दिखा रहे हैं मॉडल, बाकी आपके सामने पीछे LED भी बड़ी हैं सारी, मॉडल और भी हैं, लेकिन जो दिखाने वाले हैं वही आपको दिखा रहे हैं जो एंटीक मॉडल है। हाँ, ये प्राइस अपडेट है, इन्फॉर्मेशन सारी व्हाट्सएप पे मिलेगी। हाँ, ये अहमद भाई आ जाते हैं गेमिंग में फिर, 27 इंच साइज में, बड़ी डिमांड है, गेमिंग ही दिखा रहे हैं लेकिन ये साइज में मैटर करता है, 27 इंच में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है बॉर्डरलेस की, तो लेकिन बॉर्डरलेस भाई बहुत मुश्किल है अभी के लिहाज से। ठीक है, तो इसलिए हम लेके आए हैं 27 इंच में, असूस में मॉडल है, 75 हर्ट्ज है, 2K रेजोल्यूशन है,
और इसमें ऑल इंपोर्ट्स हैं और मल्टी मीडिया के साथ हैं भाई। बेहतरीन है जी सर, ये आप तो देख सकते हैं, अगर एवरी पोर्ट इसके अंदर लगी हुई है तो बाकी ऑनलाइन रब्ता करें, आपको प्रॉपरली हर तरीके से गाइड किया जाएगा। HDMI DVI विजय डिस्प्ले सारी पोर्ट्स और पैनल भी अहमद भाई IPS है, IPS पैनल के साथ। ASUS में मोस्टली गेमर जो हजरात है ना वो ASUS को प्रेफर करते हैं। ये बताएं LED बेहतर होती है IPS पैनल अच्छा होता है? अहमद भाई LED में IPS भी आता है और TN भी आता है और VN भी आता है, LCD में भी IPS आता है, TN आता है, VN आता है, बेहतरीन जो क्वालिटी है वो LED है। ठीक है जी, हाँ जी, चलें बेहतर। इसकी प्राइस क्या कोट कर रहे हैं जी? ये अहमद भाई 25 25 में 25 प्लस में। ठीक है, 27 इंच मॉडल है, देखिए देखने आप 2K रेजोल्यूशन और 75Hz MS बहुत कम है इसकी। ठीक हो गया, जितनी MS कम होगी पिक्सल उतने अच्छे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आ जाते हैं 27 इंच, फिर 27 इंच में ये है NEC का ब्रांड अहमद भाई, इसमें है ह्यूमन सेंसिंग पोर्ट, अगर आप देख सकें इसमें ये सामने पोर्ट होती है, सेंसर होता है, आप सामने काम कर रहे हैं आपको डिस्प्ले आएगा, आप 2 या 4 मिनट के लिए साइड पे होंगे, इसका 10 सेकंड से लेके 2 मिनट का टाइमर होता है, आप 2 मिनट तक या 10 सेकंड तक आप इसको टाइमर लगाएं, जब तक आप सामने बैठे आपको डिस्प्ले ऑन रहेगा, जैसे साइड पे होंगे इसका ऑटोमेटिकली स्क्रीन का डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, यानी कि सेंसर लगे। हाँ जी, इसमें सेंसर लगे तो इसमें 27 इंच। हाँ जी, 27 इंच। इसकी रेजोल्यूशन 1080 है, पोर्ट इसमें हर तरह की अवेलेबल। ठीक, HDMI आपने कहा इसको गेमिंग के लिए यूज़ करना है, ग्राफिक के लिए यूज़ करना है, इसमें रिजल्ट बहुत आउट क्लास है, RGB इसकी बहुत अच्छी है, आप इसको ग्राफिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो क्या प्राइस इसकी होगी? ये अहमद भाई आपको मिल जाएगा 20 प्लस में। ठीक है जी, सिर्फ मोहब्बत के लिए 20 प्लस में। ये 20 प्लस में ये कैसे? सिर्फ बॉर्डर लेस इस वजह से? जी जी, और बाकी आप सिर्फ ये सोशल बिल्कुल बताया जा रहा है कि ये आपके कस्टमर के लिए। ठीक है, मार्केट के कस्टमर जो मतलब मार्केट टच करते हैं उन्हें पता होगा ये स्लिम LED में कम अज कम 25,000 से कोड करते हैं। हाँ जी, ये 20 प्लस मिलेगा आपको, ये आपको 20 प्लस में मिल जाएगा। उसके बाद फिर ASUS में आ जाता है मॉडल, ASUS में भी क्रिस्टल ले आए हैं, गेमिंग क्रिस्टल बॉडी में गेमिंग मॉडल है ये। ठीक है, इसमें डबल HDMI की पोर्ट है अहमद भाई, बेहतरीन ओरिजिनल स्टैंड के साथ है। इसमें 360 नहीं है? नहीं, इसमें ओरिजिनल होता है अहमद भाई, इसका कोडिंग वाला 360 उसके साथ है, और जो पहले ASUS का मॉडल दिखाया उसके साथ भी। इसमें डबल HDMI की पोर्ट है, आप एक टाइम में इसमें HDMI पे ग्राफिक कार्ड लगा लें, एक टाइम में आप DVR लगा लें, डिश चला लें, रिसीवर चला लें, इसमें मल्टीमीडिया इन आउट दोनों ही ऑप्शन। ठीक हो गया, इससे साउंड भी ले सकते हैं, इसको दे भी सकते हैं साउंड, जिस तरह मर्जी आपको बेस्ट। इसमें HDMI नहीं मिलेगी? इसमें डबल HDMI है, HDMI है दो हैं इसमें। ठीक है जी, DVI यानी कि इसके अंदर शॉर्ट है, DVI शॉर्ट। ठीक हो गया, तो इसकी प्राइस क्या है जी? ये भी 20 प्लस है भाई, बेहतरीन हो गया सर जी, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल आपने बताए हैं। आगे मैं थोड़ा बहुत बता दूं भाई को कि अगर किसी ने इनसे चीज़ बाय करनी है, LCD वगैरह लेनी है, तो तरीकाकार भाई बता चुके हैं, मैं भी बता देता हूँ आपको कि आपने पेमेंट एडवांस करनी है, एडवांस पेमेंट करने के बाद आपको ये चीज़ पार्सल हो जाएगी। इसके अंदर डेड और बर्न के अलावा किसी किस्म की कोई वारंटी नहीं आपको मिलेगी, यानी कि डेड और चीज़ बर्न हो जिसके अलावा हर किस्म की वारंटी हम क्लेम कर सकते हैं। अगर रास्ते में कुछ चीज़ डैमेज हो जाए, मौसम भाई ठीक कह रहा हूँ ना? जी जी, अगर रास्ते में कुछ चीज़ डैमेज हो जाए वो वारंटी आपकी होगी, लेकिन हमारी तरफ से पैकिंग ज़बरदस्त होती है, जितने भी पीस गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भाई ने तकरीबन 100+ LCDs भेजी होंगी हमारे चैनल के थ्रू, तो एक भी पीस ऐसा हमें नहीं मिला जिसकी वजह से क्रैच आया हो, इतनी अच्छी पैकिंग करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जाते हैं वहाँ पार्सल वाले को तरफ से कहते पैक कर दें, भाई खुद पैक करते हैं जिम्मेदारी से, इतनी अच्छी पैकिंग होती है, आपको किसी किस्म का कोई स्क्रैच नहीं मिलेगा, जो चीज़ आपको नेट पे दिखाई है, जो चीज़ आपको वीडियो में दिखाई है, वही चीज़ आपको मिलेगी। इस चीज़ की वारंटी मैं देता हूँ आपको, आप बिला झिझक इनसे कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। आपको पता पूरे फैसलाबाद में हम सिर्फ मोहसिन भाई को ही कवर कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा हमारा इनके साथ तल्लुक है। इनको कवर करने की वजह यही है कि हमें इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आ रही, जितने भी कस्टमर हैं मुझे बताते हैं, खुद मैसेज करते हैं कि भाई मोहसिन भाई ने बड़ा अच्छा डील किया हमें, आपको पता है आपका मेरे साथ भी टच रहता है, ठीक है, तो मोहसिन भाई बताते रहते हैं कि बड़ा अच्छा हमें फीडबैक और मिल रहा है, और कस्टमर भी बताते हैं कि हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जो चीज़ बताई है वही आ रही है, यही चीज़ आपको चाहिए होती है। तो कैश ऑन डिलीवरी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन यह कि आप पेमेंट दें, ये चीज़ लें, पूरे पाकिस्तान में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।